अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में कई समारोह आयोजन किए जाते हैं ताकि महिला ज्यादा सशक्त हो और महिला अधिकारों की आवाज बुलंद हो। जो महिलाएं समाज में अच्छे कार्य कर रही हैं, उन्हें सम्मानित भी इस दिन किया जाता है। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में इंडियन काउंसिल फॉर यू एंड रिलेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और अलग अलग क्षेत्रों से अच्छे कार्य करने वाली महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन गुप्ता विशेष अतिथि थे। समारोह की संयोजक लहर सेठी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान देना ये उनके लिए काफी प्रेरणादायी रहा। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब लहर सेठी से बात की तो सुनिए उन्होंने समारोह को लेकर क्या कहा। कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के लिए, महिला द्वारा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत जरूरी है कि महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करें और ऐसा करेंगे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। दुनिया भर में अगर कोई चेंज आया है महिलाओं के लिए तो वो तभी आया है जब महिलाओं ने उसके लिए लड़ा है। इंडिया में हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, पेट्रियार्कल माइंडसेट इतना ज़्यादा है कि महिलाएं ही दूसरी महिला को काफ़ी बार काटती हैं, उनको नीचे दिखाती हैं, उनको नीचे लेके आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा अटेम्प्ट है कि हम दूसरी औरतों को एनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें एंड उनको इंस्पायर करें एंड इन द प्रोसेस वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छी औरतों से मिलने को मिलता है और हमें पता भी नहीं होता कि लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हम हर साल करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है ये करके। आज कितनी महिलाओं का जो है कि आपने अवार्ड सम्मानित किया? हमने 16 महिलाओं को अवार्ड दिया है, जिसमें से कि एक अरुणा अभय ओसवाल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और 15 लेडीज़ को हमने अवार्ड करा है। कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कैसे संपर्क में मतलब? देखिए, हमारे नॉमिनेशंस खुलते हैं मार्च से कुछ महीनों पहले, यूजली नवंबर या दिसंबर के महीने में हम नॉमिनेशंस खोलते हैं और जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं फिर हम उसको स्टडी करके उसमें से औरतों को सिलेक्ट करते हैं। ये हम दिल्ली में भी कर रहे हैं और जयपुर में भी कर रहे हैं, राजस्थान में। तो इसके अलावा मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाएँ महिलाओं को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, यही मैं बोलूँगी, यही मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, लड़ते रहिए और विमेन को एम्पावर करते रहिए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम समारोह आयोजित किए जाते हैं ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण होता रहे और अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाएं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।